वहीं बस्तर में राजनीतिक पार्टी के नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को समान रूप से सीआरपीएफ की सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा के मामले में किसी भी राजनीतिक पार्टी से भेदभाव नहीं होगा। जो व्यक्तिगत तौर पर सुरक्षा मांग रहे हैं उसकी भी जांच कराएंगे। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस के न्यारी न्याय फॉर्म भरवाने को लेकर कहा कि कांग्रेस के पास इस समय विश्वसनीयता का संकट है। उन्होंने पहले जो भी वादा किया उसे पूरा नहीं किया। अब राहुल गांधी कुछ भी कहें लोग मानने वाले ही नहीं है। लोगों को पता है देश में मोदी जी की सरकार बन रही है। राजनीतिक पार्टी जो भी राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके जीत की पूरी संभावना होती, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, बसपा हो, सभी ने बस्तर में फॉर्म भरा हुआ है। स्क्रूटनी फाइनल हो जाता है, नाम डिक्लेरेशन हो जाता है, नाम वापसी का समय खत्म हो जाएगा। सबको समान रूप से सीआरपीएफ वगैरह की सुरक्षा दी जाएगी, सबको सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा के मामले में किसी भी राजनीतिक पार्टी किसी से भी कोई दुरा भेद नहीं होगा। और जो व्यक्तिगत रूप से भी सुरक्षा मांग रहे हैं उनकी भी जांच करवाई जा रही है कि उनको सुरक्षा कितनी आवश्यकता है। और जिसको भी आवश्यकता है, फिर से मैं कहूँ, बिना किसी मतलब आपको ध्यान होगा कर्मा परिवार को सर्वाधिक सुरक्षा है, जितना पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं है उससे अधिक कर्मा परिवार को सुरक्षा है। तो इस सुरक्षा के मामले में कहीं कोई ये नहीं है। विश्वसनीयता की बात होती है, मतलब इन्होंने पिछले चुनाव में जब 500 रुपया प्रत्येक माता बहन को देने की बात कही थी और उसके बाद पलट कर उस विषय पर नहीं देखा था। जब इन्होंने कहा था कि सबको आवास का अधिकार देंगे, पलट कर उस विषय पर नहीं देखा था, मिलने वाले आवास को रोक दिया था, तो विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। फिर आप कितनी भी बड़ी बातें करें, आज हम राहुल गांधी जी कुछ भी बोल दें, दुनिया जानती है कि वो नहीं सत्ता में आने वाले और ना ही उनको देश स्वीकारने वाला है, तो वो कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं होता।